एक दिन अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तूने मुझे निर्वंश किया है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, बाल बच्चे नहीं। और उसने कहा मेरे घर में जो पैदा हुआ दास दमिश्कवासी एलियाजर को ही मेरा क्या होगा, इनहेरिटेंस, वारिस होगा, ऐसा कहा। और उसने ऐसी योजना बनाई और परमेश्वर ने उसके बाद कहता है नहीं, वो वारिस नहीं होगा, तेरा अपना निज पुत्र ही क्या होगा, तेरा वारिस होगा। और परमेश्वर ने उसको बाहर लेके आया, अपने टेंट तंबू से बाहर लेके आया और आसमान की ओर, आकाश की ओर देखने बोला और कहा क्या इन तारागणों को गिन सकता है। और परमेश्वर ने कहा तेरे वंश ऐसे ही होंगे। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, आने वाले जीवन में क्या होगा। कई बार परमेश्वर ने आपको दर्शन में भी बोला होगा तेरी सेवकाई ऐसी होगी, तुझे इन चीजों से छुटकारा मिलेगा, तुझे महान बनाऊंगा, जो भी परमेश्वर बातें करता है। टाइम बीतती है और आपको तकलीफ होती है, आप इंतजार करते हैं, टाइम बीतते जाता है, वो चीज घटता नहीं है। और आप अपने मन में योजना बनाते नहीं, परमेश्वर ने जो बातें कुछ दिन कुछ साल पहले जो बोला था, हो सकता है वो मेरी अपनी विचार थी, वो परमेश्वर की आवाज नहीं थी होंगी, और आप अपना रास्ता ढूंढने लगते हैं और हो सकता है वो अपना रास्ता आपको गलत दिशाओं में ले जाएगा। लेकिन आपको और मुझको कोई भी डिसीजन लेने से पहले परमेश्वर की जो आवाज पहले आपने सुना था वो पूरा होने से पहले जो आप अपनी योजना बनाते हो उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए अपना बारिश, अब्राहम का बारिश बनाने के लिए अपने निज पुत्र को रखा था। हो सकता है वो 25 साल लगे होंगे उस वायदा को पूरा होने के लिए। मैं आपको इनकरेज करने चाहता हूं, देर है, अंधेर नहीं है। परमेश्वर अपने किए हुए वायदाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपका और मेरा उस प्रतिज्ञा के लिए रिस्पॉन्स केवल इंतजार है, केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। और परमेश्वर ने दिखाए हुए दर्शन, आवाजें, स्वप्न, या हो सकता है वो भविष्यवाणी भी हो, उसके ऊपर ध्यान लगाना, हो सकता है वो प्रतिज्ञा के वचन हो, उसके ऊपर ध्यान लगाना होगा और समय का इंतजार करना होगा और निरंतर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना होगा। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। जय मसीह।